जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते इसलिए क्योंकि गुरु जी नमस्ते ही करवाते थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो हमें तो वही करना है ना जो गुरु जी करवाते थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, सत्संग में जुड़ने के लिए। और ये जो दरबार लगता है, हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि गुरु जी की आज्ञा से ही लगता है। आप सबको पता ही है, गुरु जी लगवाते हैं, गुरु जी बिठाते हैं। और आज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, बहुत डर लग रहा है कि गुरु जी मैं क्या बोलूंगी। और हमेशा गुरु जी सेवा देते हैं। एक्चुअली आज थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है गुरु जी के सामने कि गुरु जी आज मैं क्या बोलूंगी। गुरु बापा ही जानते हैं वो मैं क्या बोलूंगी, जो गुरु जी बुलवाएंगे। और गुरु जी खुद बोलते हैं जब संगत होती है तो, और वही बुलवाते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो भूल चुक माफ मेरे गुरु जी महाराज, भूल चुक माफ संगत जी। कोई गलती हो जाए मुझसे सत्संग में, संगत करने में, तो मुझे क्षमा करना, माफ करना, आपकी बच्ची हूँ। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि ये सेवा बख्शी। धन्य भाग हमारे जो हम गुरु जी के सहारे यहाँ बैठे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी मेरी आंटी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्राना आपने बहुत बहुत शुक्राना आपने सेवा दी। और गुरु जी ने आपको मीडियम बनाया, इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दिया। ऐसी सेवा करते रहे, करवाते रहे गुरु जी, सबको बख्शी से ये सेवा प्यारी प्यारी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, सिमरन प्लेटफॉर्म का, नीलम आंटी का और सारी संगत का। आइए गुरु जी का गुणगान शुरू करते हैं। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि संगत जी, गुरु जी कहा करते थे हमेशा से, शुरू से सत्संग किया करो, तो शुरू से किया करो, शॉर्टली किया करो। ये मैंने गुरु जी से ही सीखा है, और गुरु जी खुद के वर्ड्स हैं ये। और जो मैं पुरानी संगत के सत्संग भी मैंने काफी सुने हैं, तो गुरु जी यही कहा करते थे। तो आइए शुरू करते हैं, और फिर से कोई गलती हो जाए तो माफ करना, क्योंकि आज मुझे बहुत डर लग रहा है। एक्चुअली पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि आज मेरी मम्मा भी बैठी है यहाँ पर सुनने के लिए, इसलिए। तो पहले तो कोई नहीं होता था, अकेली मम्मी बाहर जॉब करते थे, अब घर में कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेशन हो रही है, होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यही आपको बताती हूँ, एक बार जब गुरु जी ने मुझे फर्स्ट टाइम सेवा दी थी संगत जी, आपको पता ही है मैं बहुत छोटी हूँ, फिर से कोई गलती हो जाए तो माफ करना। तो जब गुरु पापा ने मुझे पहली बार सत्संग सेवा दी थी, तो बहुत परीक्षा ली थी। बहुत परीक्षा लेते हैं गुरु जी जब अपना बच्चा बनाते हैं, और गुरु टीचर होता है, आपको पता ही है ना, गुरु का औहदा ही टीचर का होता है। जय गुरु जी। तो परीक्षा तो लेते ही हैं अपने बच्चे का, जो बनाएंगे गुरु जी, तो परीक्षा भी लेंगे, पेपर भी लेंगे, पास भी वही कराएंगे, रिजल्ट भी वही देंगे, और बहुत प्यारा रिजल्ट आता है। तो गुरु जी ने जब मुझे फर्स्ट टाइम सेवा दी थी, तब गुरु जी ने मतलब जोड़ा हुआ था, गुरु जी ने सातों सातों जन्मों से है, पता नहीं कितने जन्म उतर गए जो गुरु जी ने अपने से जोड़ा है। और बहुत धन्य भाग है, मैं बार बार ये कहती हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का प्यार है, आप समझो, या एक्सपीरियंस समझो, या कुछ भी, लेकिन मेरे लिए तो गुरु जी सब कुछ, सब कुछ, मेरे सारे भगवान गुरु जी हैं। सच में मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरु जी से, और आपको भी करना है। और जो गुरु जी का बच्चा है वो तो करता ही गुरु जी से प्यार है ना। सारे तीर्थ धाम गुरु जी के चरणों में है, सारे भगवान गुरु जी में ही है, तो गुरु जी है सब कुछ। तो मेरे लिए तो मेरे गुरु पापा ही है सब कुछ, उनके बाद सब कुछ है। तो जब स्टार्टिंग में गुरु जी ने मुझे अपने से जोड़ा, ये तो गुरु जी जानते हैं, जैसे गुरु जी कहा करते थे, ये हमें नहीं पता और हमें ना बताना चाहिए कभी कि गुरु जी ने हमें इस सन में जोड़ा है या ऐसे है, कभी शेयर नहीं करना चाहिए, कि गुरु जी जानते हैं, हमें नहीं पता उन्होंने कब से हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन हम ना प्रेजेंट टाइम में जैसे हमें पता होता है कि बताने के लिए, तो गुरु जी ने मुझे जब मैं बहुत मतलब मैं थी आप फर्स्ट ईयर में थी, और 2 साल हो चुके हैं गुरु जी से जुड़े हुए, और उसके बाद मैं गुरु जी की महिमा को जानी हूँ। पहले मुझे नहीं पता था, और गुरु जी जब से हमारे घर में आए हैं, बहुत ही सुंदर लाइफ हो गई है। सच में चाहे कुछ हो ना घर में, कितनी दिक्कतें परेशानियां हो, कोई फाइनेंशियली इश्यू हो या हेल्थ इश्यू हो, कुछ भी हो, लेकिन गुरु जी हैं तो सब कुछ अच्छा है। शुक्राना ही शुक्राना है गुरु जी के साथ, इतनी प्यारी लाइफ हो जाती है संगत जी। मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि गुरु जी ही बुलवाते हैं। आपको पता है जब संगत दरबार लगता है तो गुरु जी की आज्ञा से लगता है, तो गुरु जी बुलवाते हैं। जय गुरु जी कंचन दी, जय गुरु जी। तो जब गुरु जी आते हैं, तो
हम भूल जाते हैं हमें क्या बोलना है हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं गुरु बाबा के सामने, बट वो हमारी हमेशा लाज रखते हैं, आपको पता ही है। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी संगत जी, तब मैं अब 19 ईयर्स की थी, 20 ईयर्स की थी, और जब मैं फर्स्ट ईयर में थी और मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में नहीं पता था, और मैं अपनी दादी के पास रहती थी, मम्मा अलग रहते थे। मैंने आपको बताया था मेरे फादर एक्सपायर हुए थे जब गुरुजी हमारे घर पर आए थे फर्स्ट टाइम, तो उससे पहले हम गुरुजी को नहीं जानते थे, और गुरुजी ने तब तक आपको पता है समाधि भी ले चुके थे गुरुजी, लेकिन गुरुजी हमेशा प्रेजेंट, आपको पता है गुरुजी हमेशा है, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी हमेशा हमारे साथ है, अंग संग है, बस वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है लेकिन ओमनी फॉर्म में वो हमारे पास बैठे हैं, और अभी भी गुरुजी आके बैठे हैं। देखना आपको उन्हीं आंखों से है जिन आंखों से गुरुजी चाहते हैं, है ना, उन आंखों से महसूस करो गुरुजी को, आप देखोगे आपके पास बैठे हैं गुरुजी, महसूस करके देखो एक बार, ढूंढना नहीं है गुरुजी को, महसूस करना है गुरुजी को, फील करना है उनको, ढूंढना नहीं, भगवान को कोई ढूंढता नहीं है, भगवान अपने दिल में अपने अंदर ही होते हैं देखा जाए तो। ठीक है, तो गुरुजी आए हैं और गुरुजी की संगत हम गुरुजी की आज्ञा से ही करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया जब गुरुजी हमारे घर पे आए, मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2018 में, और 18 में गुरुजी आए थे घर पे, तो हमें पहले नहीं पता था गुरुजी की महिमा का, हर मैं कह रही हूँ ना स्टार्टिंग में हम नहीं समझते हैं, और शायद आज भी नहीं समझ पाएंगे, रोज एक नया लेसन सीखते हैं गुरुजी से, गुरुजी को कभी हम नहीं समझ सकते हैं, गुरुजी हमें कितना ही सिखा ले हम फिर भी एक रोज एक नया चैप्टर गुरुजी खोल के रखते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, शायद मैं सही बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत डर रही थी। तो जैसे ही गुरुजी आए हमारे घर पे, पापा एक्सपायर हुए 2018 में, और गुरुजी का आना हुआ, पापा के जाने के बाद ही गुरुजी आए, और गुरुजी ने, मैं तो पापा ही बोलती हूँ आपको पता है, गुरु पापा को, वही मेरे लिए मेरे पापा है, वही मेरे लिए मेरी मम्मी है, वही मेरे लिए सब है कुछ है, तो मैंने तो पापा का रिश्ता बनाया। और गुरु की महिमा यही है संगत जी, जैसे आपके फैमिली मेंबर होते हैं ना, माँ है, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, सिस्टर है, जो भी आपके रिलेशन है, ऐसे ही गुरु जी हैं। गुरु जी से कोई ये नहीं कि आप गुरु जी को एक नॉर्मल, गुरु जी भी कहते थे मैं हड्डी मांस का बना हूं तो मुझे इंसानों ने इंसान ही समझ लिया, ऐसे गुरु जी कहा करते थे आपको पता ही है। तो इंसानी वो भगवान का रूप, हमें सिर्फ तारने आए थे, हमारा कल्याण करने आए थे गुरु जी, हमारे कर्म काटने आए थे, वो क्यों आए दिल्ली में 10 साल वो रहे, वो इसीलिए रहे हमारे कर्म हमारे को निहाल करने के लिए आए, नहीं तो उनको क्या था, वो पंजाब से दिल्ली आए थे आपको पता ही है, पंजाब से वो दिल्ली आए, जलंधर से दिल्ली आए, किस लिए आए, हम सबके लिए आए, क्योंकि वो कहते थे दिल्ली इतना माड़ा समय आएगा ना, दिल्ली वाले तो पता नहीं क्या होगा, और आज भी कहते हैं ना दिल्ली वाले सही से समझे नहीं है गुरु जी को, ये हकीकत होती है संगत जी, बिल्कुल रियलिटी है। तो गुरु जी हमारे लिए आए थे, तो हमें गुरु जी को समझना है, गुरु जी की महिमा को समझना है, गुरु जी के वचन पे चलना है, ये गुरु जी ने सिखाया है, और बहुत कठिन होता है ये, कहते हैं ना सरेंडर करना गुरु जी को, सरेंडर भी हम तभी करते हैं गुरु जी को जब गुरु जी की आज्ञा होती है। तो गुरु जी से यही मांगना है कि गुरु जी आप हमें मिल गए ना, सब कुछ मिल गया, गुरु जी से गुरु जी को मांगना है, गुरु जी की सेवा मांगना है, सिमरन मांगना है, सत्संग मांगना है, इसी में रस है, इसी में दुनिया है, इसी में सब कुछ है संगत जी, बिलीव मी, क्योंकि मैंने तो हमेशा गुरुजी से गुरुजी को मांगा, मैंने किसी चीज की लालच नहीं करी है कि गुरुजी मुझे ये पहनने के लिए दे दो, या मेरी हेल्थ खराब है गुरुजी मुझे ठीक कर दो, मैंने तो ये भी नहीं कहा कभी गुरुजी से, वो गुरुजी ने दिया है, गुरुजी ने भेजा है धरती पे, तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा, वो अपने आप ही देखेंगे सब कुछ क्या करना है संगत जी। तो हमेशा गुरुजी से गुरुजी को मांगना है, और गुरुजी मिल गए तो अपने आप ही लाइफ इतनी सुंदर हो जाती है ना, आपको कभी तकलीफ आ ही नहीं सकती है, जहां गुरुजी हैं वहां बस मजे ही मजे है, मौज ही है, जायश कर जैसे गुरुजी कहते थे, ऐश ही ऐश होती है। तो मैं आपके खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी संगत जी, जैसे गुरुजी कहते थे संगत किया करो, डरना नहीं है, मैं भी डरती थी स्टार्टिंग में, अब अभी भी मेरी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई है, 21 की हूं मैं, और 19 में गुरु जी ने मुझे फर्स्ट टाइम संगत करने का मौका दिया था, सडनली शुकुराना गुरु जी महाराज का मल्टी लिंगुअल पेज है, सुरेश वासन अंकल जी वहां के सेवादार अंकल है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सोल उनकी इतनी प्योर है, बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मेरे को गुरु जी से जोड़ा, और उस इंसान को कभी नहीं भूलना जो गुरु जी से आपको गुरु जी के पास ले जाता है, क्योंकि गुरु जी ही मीडियम बनाते हैं, हमें जाना है ना भगवान के पास, और हमारे तो भगवान ऐसे हैं, गुरुजी कहते थे आप 2 कदम चल के आओगे ना गुरुजी 10 कदम आपके पास चल के जाएंगे, इतने अच्छे हैं गुरुजी, इतने भोले भंडारी हैं, ऐसा गुरु कहीं मिलेगा ही नहीं इस धरती में, तो कभी नहीं मिल सकते कलयुग में। तो
राजन के राजा महाराजन के महाराजा, धन्य भाग हमारे जो हम गुरु जी के सहारे। संगत जी बिल्कुल सही है ये लाइन, बहुत ही डिवाइन वर्ड्स हैं गुरु जी के लिए ये, कि हम बहुत भाग्यशाली है जो आज यहाँ बैठे हैं, और मैं तो बहुत भाग्यशाली जो गुरु जी की बड़ियाइयां कह लो या सत्संग कह लो वो गुरु जी जानते हैं। तो गुरु जी के बारे में बोलना, गुरु जी की महिमा बताना, तो हम तो कुछ होते ही नहीं है उनकी महिमा बताने के लिए, सच में कुछ भी नहीं है, ये गुरु जी है जो कुछ है। तो संगत जी, जब गुरु जी ने मुझे जोड़ा, मैं 19 ईयर्स की थी और मेरे फादर एक्सपायर हुए थे 2018 में, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था सडनली, और उस टाइम तक हम गुरुजी को नहीं जानते थे। और हमें गुरुजी ने, मेरी मदर सबसे पहले कनेक्ट हुई थी गुरुजी से हमारी पूरी फैमिली में, और मेरी मदर को मेरी नानी ने कनेक्ट किया था, वो भी आज गुरुजी के चरणों में है। बहुत अच्छा गुरुजी ने उनको सब कुछ, गुरुजी गुरु बना रखा था उन्होंने गुरुजी को, तो गुरुजी ने उनको खुद अपने आप इतने अच्छे, उनका एक्सपीरियंस है उनका भी, गुरुजी से जुड़े थे, गुरुजी के बिल्कुल शक्ल से गुरुजी की सिस्टर ही लगते थे वो, तो सब उनको यही बोलते थे गुरुजी की सिस्टर है सच में बिल्कुल। और जब उनका, जब वो एक्सपायर हुए और गुरुजी खुद उन्हें लेने आए, ड्रीम में मेरी मम्मा को दर्शन हुए हैं प्रॉपरली कि गुरुजी खुद आए व्हाइट चोले में, जिसमें हमेशा मुझे गुरुजी दिखते हैं, उसी चोले में मम्मी को भी दर्शन हुए थे जिस दिन मेरी नानी एक्सपायर हुए थे। संगत जी देखो, मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। संगत जी ये बात आप आज पल्ले से बांध लो, है ना, जो मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। और खाता हमेशा एक ही बार खुलवाना है और एक ही जगह खुलवाना है। ये इंसान का ना वहम होता है कि नहीं, हम इस भगवान को मानेंगे तो ये हमारी सुनेंगे तो इनके पास जाएंगे, ये सुनेंगे तो इनके पास जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे भगवान जी एक होते हैं। आजकल मैं बहुत संगत को देखती हूँ, संगत नहीं एक्चुअली, हमारी संगत तो बहुत ही अच्छी है, बहुत से लोगों को मैंने फील किया है, कुछ से हमारी फैमिली मेंबर्स में भी है कि गुरु जी, आई डोंट नो क्यों गुरु जी बुलवा रहे हैं, ये लेसन दे रहे हैं गुरु जी हम सबको कि मानो तो एक को, एक में ही सारे भगवान है। अब आप माता रानी को मान लो या साईनाथ को मान लो या ठाकुर जी को मान लो, वो सब गुरु जी में ही है, और गुरु ही तो भगवान से मिलाता है, भगवान थोड़ा डायरेक्ट, भगवान का ओहदा कितना बड़ा है, एक जगह गुरु जी बैठे हैं एक जगह भगवान बैठे हैं, तो पहले पैर किसके छुएंगे, पहले गुरु के छुएंगे, क्योंकि गुरु ही तो भगवान के पास लेके जाएंगे। अब भगवान तो खुद उतर के आएंगे नहीं, है ना, भगवान तो आएंगे नहीं हमारे पास चल के, हम भगवान के पास जाएंगे। हम कलयुगी जीव है और भगवान तो परमात्मा है, तो वो तो आएंगे नहीं हमारे लिए, हम जैसे स्टूपिड इंसानों के लिए वो हमारे पास नहीं आएंगे, हमें जाना है भगवान के पास। कहते ना गुरुजी भी चाहते थे, गुरुजी ने ये लिखा हुआ है, या आप दिव्याभा, जिस दिन किसी ने दिव्याभा पढ़ी होगी तो उन्होंने पढ़ा भी होगा, स्टार्टिंग में पेज भी लिखा हुआ है और बायोग्राफी में भी गुरुजी की लिखा हुआ है कि गुरुजी ने यही चाहा था अपनी संगत से कि गुरुजी को माने, मांगे नहीं माने, वचन भी है ना गुरु जी से, मंगो नहीं मनो, तो गुरु जी ने यही लिखा हुआ है दिव्याभा की फर्स्ट पेज पे यही लाइन लिखी है, मुझे मानो, मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी हमारे लिए आए थे शिव का रूप लेके, गुरु जी अपने समय से आए थे और अपने आप ही गए हैं, गुरु जी अपने समय से गए हैं, वो गुरु जी की अपनी कोई एज नहीं है, गुरु जी को ये नहीं कि गुरु जी इतने साल के थे बहुत जल्दी चले गए, नहीं, ये सब नहीं के मैंने सत्संग सुने उनसे भी ये मैसेज मैंने लिया है। तो गुरुजी कोई एज नहीं थी, गुरुजी अपने समय से आए थे और अपने समय से गए हैं, वो गुरुजी की मर्जी थी, वो हमें, हमारा, हमें तारने आए थे। और कई संगत आपको पता है बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हुई है, हम खुद बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपके खुद के भी एक्सपीरियंस होंगे। तो यही है गुरुजी की महिमा, जितना मुझे गुरुजी ने सिखाया मैंने आपको बताया। और आगे शुरू करते हैं, जैसे पापा एक्सपायर हुए उसके कुछ टाइम बाद ही नानी ने हमें, मम्मी को बोला कि तू भी गुरु को मान, गुरु जी को जानती थी वो, गुरु जी को तू भी चल, परेशान रहती है, बड़ा स्ट्रेस था उस टाइम, आप समझ सकते हो जब घर का एक छत्र छाया चली जाए तो फिर स्ट्रेस तो होता ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा दुखी मन से। तो मम्मी वैसे विश्वास नहीं करते थे किसी गुरु में कि गुरु कुछ नहीं होते हैं, ऐसे ही होता, और आपने देखा भी होगा कई गुरुओं के आपने नाम सुने होंगे जो फ्रॉड कर चुके हैं। हमारे गुरु कोई गुरु नहीं, गुरु बाद में, वो पहले भगवान है, वो महाशिव है, उसके बाद गुरु है, वो गुरु का रूप लेके आए थे। तो हमारे तो गुरु जी भगवान जी हैं, तो फिर उनसे बढ़कर है ही नहीं क्या, कुछ भी नहीं है। तो ये महिमा हमें नहीं पता था, ये मेरी मदर को नहीं पता थी, और उस टाइम मैं अपने 11th स्टैंडर्ड में थी, 11th 12th में, मुझे भी नहीं पता था कि गुरुजी आए हमारे घर पे। तो गुरुजी आए, देखो गुरुजी ना इतने प्यारे हैं ना, इतने भोले भंडारी हैं ना, इतना अपने बच्चों का इतना कष्ट काटते हैं वो, अगर आपको यहाँ चोट लगे ना तो गुरुजी के यही जख्म होता था,
मैं आपके उनके फिजिकल टाइम की बता रही हूँ। अगर आपको यहाँ चोट है ना, गुरु जी के भी यही खून निकला होता था जब हम जाते थे। ये मैंने ओल्ड संगत से सुना था सत्संग, इतना प्यारा प्यारा सत्संग थे गुरु जी के, कि गुरु जी अपने बच्चों का कष्ट लेते थे अपने ऊपर, उनको भी दिक्कत होती थी, उनके भी पैर ऐसे सूज जाते थे, तो वो इसीलिए कि अपने बच्चों का वो कष्ट लेते थे। कितनी गुरुजी ने बीमारियां काटी आपको बताइए, इतने बड़े बड़े कैंसर हैं, ये है वो, ब्रेन हेमरेज, मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो गुरुजी ने अपने ऊपर लेकर अपने भक्तों को ठीक करा, अपनी संगतों को ठीक करा। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। गुरु तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसे गुरु शायद मैंने तो नहीं देखे हैं, और ना मैं शायद देख पाऊंगी कलयुग में। ऐसे ना भगवान है ना गुरु है। गुरुजी कहते ही थे, जो गुरुजी की शिवलिंग है आपको पता है, वहां जल चढ़ाने कौन आता है, वहां जल चढ़ाने देवी देवता आते हैं। हम क्यों नहीं चढ़ा पाते बड़े मंदिर में ऊपर जाके जल। गुरुजी ने इतनी ऊपर शिवलिंग क्यों बनवाई है, इसीलिए बनवाई है कि हमारे लायक नहीं है वो, उसपे तो देवी देवता जल चढ़ाते हैं। ये गुरुजी के वर्ड्स थे। किसी संगत ने पूछा था उनसे कि गुरुजी आपने इतनी ऊंची शिवलिंग क्यों बनवाई है, तो गुरुजी ने कहा था कि हम तो जल नहीं चढ़ा पाते हैं, आपको पता है कि शिवरात्रि आती है या सावन आता है तो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं लोग, कई कई संगत तो हर मंडे भी चढ़ाते हैं, है ना। ये तो अपने ऊपर है कि कैसे गुरुजी को मनाना है, कैसे भोले भंडारी को मनाना है। तो एक संगत गए गुरुजी के टाइम में, तो उनसे कहने लगे, गुरुजी आपने इतनी ऊपर शिवलिंग बनवाई है, हम जल कैसे चढ़ाएंगे मंदिर आएंगे तो, शिवरात्रि पे या वैसे भी। तो गुरुजी ने कहा, तो पंजाबी तो गुरुजी बोलते थे, सॉरी गुरु बाबा मुझे तो पंजाबी आती नहीं है, तो गुरुजी पंजाबी में उन संगत ने बताया था। हाँ जी सही कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल। तो गुरुजी ने कहा ये आपके लिए, ये पंजाबी में, ये तुम्हारे लिए थोड़ी ना है, यहाँ पे तो देवी देवता जल चढ़ाते हैं अमृत वेले में, तो बताओ। तो इतने बड़ी शक्ति, इतने बड़े हमारे गुरुजी महाराज, जिनको देवी देवता मत्था टेक के मॉर्निंग होती है सबकी, तो उनके आगे तो फिर हम कुछ भी नहीं है, नथिंग है, वी आर नथिंग। तो इसलिए गुरुजी की महिमा को समझो, समय लगता है और रोज लगता है, रोज हम सीखते हैं। मैं यही आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे यही सिखाया है। गुरुजी अगर कुछ आपसे कहते हैं, कोई वचन है गुरुजी का, तो वचन पे चलो, गुरुजी के कहने पे चलो। किसी को मीडियम नहीं बनाना, किसी तीसरे पर्सन को मीडियम नहीं बनाना, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, पल्ले से बांध लो, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनता है ना संगत जी, ये अपने ऊपर है। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी मैया दा लाडला अंकल, पंकज अंकल, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो देखो आप मैया दे लाडले हो, और आज गुरु जी के पास मैया रानी भी बैठी है, पहली बार बैठी है देखो पंकज अंकल, नहीं तो आज से पहले दरबार में नहीं थी। मैया रानी का दरबार मंदिर में होता था स्थान, लेकिन आज गुरुजी के पास बैठी हैं, और शायद आपको ब्लेस करने के लिए, सारी संगत को ब्लेस करने के लिए बैठी है माता रानी भी। तो गुरुजी की अर्धांगनी है वो भी, गुरुजी की बेटियां हैं, तो सब कुछ गुरुजी का ही है। संगत जी सारी देवी देवता गुरुजी को मत्था टेक के, आपको पता ही है मॉर्निंग होती थी, तो हम कुछ नहीं है, हम तो वी आर नथिंग। तो गुरुजी की महिमा को समझो, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, प्यार करो, गुरुजी से बातें करो। वो कहते हैं ना कि गुरुजी सुनते नहीं है, ऐसा नहीं है, गुरुजी हमेशा सुनते हैं, हमेशा सुनते हैं। यहां से आवाज देनी है गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे नहीं, ऐसे हो गया है, अपने फैमिली मेंबर की तरह। ये नहीं कि आए दो मिनट बैठे, ठीक है दिमाग कहीं और है, और गुरुजी का पाठ कर रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं, माइंड कहीं और चल रहा है, ऐसा नहीं करना। अमृत वेला का क्या मतलब होता है, कहते हैं ना संगत उठती है 4 बजे 2 बजे 3 बजे, ठीक है करो, किसी ने मना नहीं किया। वाहेगुरु जी की बहुत मान्यता होती है पंजाबियों में अमृत वेले की, और करना भी चाहिए। जिस जो संगत करना चाहती है वो करे, जो कर सकती है वो करे, बिल्कुल। भगवान का गुणगान तो आप किसी भी समय कर सकते हो, हर पल कण कण में भगवान है, इस कपड़े में भगवान है, मुझ में भगवान है, आप में भगवान है, भगवान अपने अंदर है, हर चीज में है। सच्चाई यही है, भगवान ही सच्चाई है, नहीं तो दुनिया में कुछ सच्चाई नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ है बिल्कुल, और ये बिल्कुल राइट है, सब झूठ है। आप खुद भी फील कर सकते हैं ये चीज, जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है। तो सब कुछ गुरुजी हैं, तो मैं यही आपसे बता रही थी कि जब गुरुजी कल्याण करते हैं तो करते ही चले जाते हैं। तो शिवलिंग गुरुजी ने इसलिए ऊपर बनवाई क्योंकि वहां देवी देवता जल चढ़ाते थे, तो गुरुजी ने कहा था बड़े सुंदर शब्दों में। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज, आइए शुरू करते हैं फिर से कि जब गुरुजी हमारे घर पर आए, तो जब पापा एक्सपायर हुए उसके बाद गुरुजी हमारे घर पर आए, मतलब विद इन
मम्मी कितने दिनों में, मतलब 1.5 महीने हुआ था जो गुरुजी हमारे घर पे आए, तो नानी ने बोला मम्मी को कि चल गुरु को तू भी चल, तू इतनी परेशान रहती है, इतना स्ट्रेस लेती है, क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो मम्मी तो वैसे डिप्रेशन में रहती थी और आज भी टेंशन तो होती है जब घर का छत्र छाया कमाने वाला ही चला जाए, घर का सबसे बड़ा मालिक चला जाए, तो फिर तो आपको पता है घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ। और मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करा है और आज भी करती है। अब जब से गुरु जी आए ना तब से इतनी सुंदर लाइफ हो गई है ना, कोई टेंशन नहीं है। अगर आज खाने को रोटी चटनी भी है ना तो भी बड़ी शुक्राने हैं गुरु जी के, ये तो है हमारे पास, कईयों के पास तो ये भी नहीं है। तो जहां गुरु जी है ना वहां प्यार ही प्यार है, वहां हमेशा सुकून ही है, वहां ऐश ही है। सच बता रही संगत जी, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली का एक्सपीरियंस है। तो मम्मी नहीं जा रहे थे 1 लाख, बिल्कुल नहीं, मम्मी मानती नहीं थी। तो मम्मी नानी को, नानी ने जबरदस्ती कहा चल चल, नहीं गए फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। फिर मेरे मामू ने भी बोला चल चल, नहीं गए। फिर जबरदस्ती लेके भी गए उनको। और उस दिन कौन सा दिन था जब वो फर्स्ट टाइम गए थे? बैसाखी थी गुरु जी की, बैसाखी बहुत बड़ा दिन था गुरु जी का, बैसाखी थी। और मम्मी बैसाखी वाले दिन गए थे, मम्मी का सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं आपको, वो भी यही बैठे हैं सुन रहे हैं आज, वैसे तो वो जॉब पे ही होते हैं, तो आज गुरु जी ने उनको भी यही बिठाया हुआ है। तो बैसाखी थी, फर्स्ट टाइम वो गुरु जी के पास गए। और जब गुरु जी से पूरा उन्होंने मंदिर देख लिया, जब गुरु जी की महासमाधि का दर्शन के लिए टाइम आया, वहां मत्था टेका, तो बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत ज्यादा। और वहीं पे आवाज निकली कि नहीं, अगर गुरुजी आप मुझे, देखो जो गुरुजी को नहीं मान रहा था, जो जा नहीं रहा था, 2-3 बार मना कर दिया, कि गुरुजी अपने पास खींच लेते हैं, गुरुजी अपने बच्चे को ऐसे ही खींचते हैं संगा जी, बिल्कुल ऐसे ही खींचते हैं, जिसको गुरुजी को अपना बनाना होता है ना वो ऐसे करके बुला लेते हैं। मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, गुरुजी ने इसलिए कहा मन को साफ रखो, भगवान आपको हर तरफ दिखेंगे, हर देवी देवता में भगवान है, हर गुरु में भगवान है। तो मम्मी नहीं मान रहे थे, लेकिन गुरुजी को अपना बनाना था, उन्हें हमारे कष्ट, हमारे पास आना था, हमारे घर आना था, है ना, हमारी फैमिली को देखना था कि कोई नहीं है, अब मन साफ है, वही ना, मन चंगा थे नलके दा पानी भी। गुरुजी कहते थे मेरी संगत मुट्ठी में है, नहीं तो बाकी तो सारी भेड़ चाल है, ऐसी भीड़ है, भीड़ बोलते थे गुरुजी अपने लैंग्वेज में कि भीड़ है, बाकी तो मेरी संगत मेरी मुट्ठी में, तो उसी मुट्ठी में हमें जगह बनानी है संगत जी। तो मम्मी नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती लेके गए। और जब फर्स्ट टाइम समाधि के पास गुरुजी के मत्था टेका, क्योंकि कोविड से पहले का मैं आपको बता रही हूँ, 2018 की बात बता रही हूँ, 18-19 की, कि जब मत्था टेका गुरुजी की समाधि के पास, तो वो बहुत ज्यादा रोए और उनके मन से आवाज आई कि गुरुजी आप हमें पहले मिल जाते ना तो मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होता, यानी मेरे पापा को कुछ नहीं होता। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि वहां मत्था टेकना और मन से ये बात निकलना, तो ये किसकी प्रेजेंस है? ये गुरुजी की प्रेजेंस है, ये गुरुजी का अपना उनका मैसेज है कि नहीं मैं तेरे नाल हाँ, गुरुजी के लैंग्वेज में पंजाबी में, नहीं मैं तेरे साथ हूँ। और सच में संगत जी, गुरुजी उस दिन का दिन है जब से मम्मी गए, और गुरुजी का फर्स्ट टाइम ही मम्मी को स्वरूप भी मिला था येल्लो चोले में, बड़े मंदिर से, वो हमारे मंदिर में गुरुजी बैठे हुए हैं, तो वो स्वरूप भी मिला, जल प्रसाद भी मिला। जब घर लेके आया, मैं तो दादी के पास रहती थी, स्टडी करती थी, 12th क्लास में थी उस टाइम। तो जब मैं गई, मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अब जब मैं गई तो मम्मी ने मुझे ये सब शेयर किया, और आप बिलीव नहीं करोगे इतना प्यारा सुंदर सत्संग है, कि जब मम्मी वापस आए ना सूट में, मम्मी की इतनी प्रेजेंस, इतनी फ्रेग्रेंस, गुरुजी की इतनी प्यारी प्रेजेंस, कि गुरुजी ने मैसेज दिया कि मैं तेरे साथ हूँ और अब तेरे पास ही हूँ, तो टेंशन ना लिया कर, इतनी टेंशन में रहती है कुड़ी। सच में गुरुजी मम्मी के साथ ही आए, और हमें नहीं पता था गुरुजी की महिमा का, सच में नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है ये इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी हमारे साथ आए हैं। तो मम्मी घर आए और सब कुछ हो गया, जब मम्मी अपना ड्रेस चेंज करने लग गए सूट, तो उसमें इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही संगत जी, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है ये, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे गुरुजी के बारे में, फर्स्ट टाइम गए थे। तो मम्मी बड़ा पजल हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, नानी को बोला, तो नानी को भी नहीं पता था ये चीज, क्योंकि नानी भी मतलब जब भी कनेक्ट हुए थे गुरुजी से, इतना गुरुजी के बारे में जानते नहीं थे। मेरे नानी को मेरी मासी ने कनेक्ट किया था, छोटी मासी है मेरी, उन्होंने कनेक्ट किया। तो देखो मानोगे तो वही है ना, मानोगे तो सब कुछ है, और हमें नहीं पता था, उनको भी नहीं पता था, तो उन्होंने ऐसी सडनली बोला गुरुजी अपने आपको मैसेज देते हैं, ध्यान से सुनना,
किसी को नहीं पता था कि प्रेजेंस क्या है। ये गुरुजी ने खुद ही आंसर दिया कि प्रेजेंस मैं बताता हूँ क्या है। तो मासी ने बोला कि तू यूट्यूब पे सर्च कर, कोई सत्संग गुरुजी के बारे में सत्संग सर्च कर सुन, क्या पता उसमें आंसर मिल जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये खुशबू का आना है। उसमें काफी ज्यादा रोजेस की, मोगरे की फ्रेग्रेंसी बहुत ज्यादा थी। तो मम्मी ने ना यूट्यूब पे सत्संग सर्च करा, ओल्ड संगत का किसी का सत्संग था, उन आंटी अंकल का मुझे नाम याद नहीं है प्रॉपरली, मम्मी का सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। तो उन्होंने सत्संग जब सुना तो उसमें उन आंटी ने बताया कि जो रोजेस मोगरे की जो खुशबू जो गुरुजी से, जो गुरुजी खुद अपनी देते हैं, देखो यहाँ तो हम गुरुजी को किसी भगवान को भी हम चढ़ाते तो फूल लाके चढ़ाते हैं, और हमारे गुरुजी तो खुद ये प्रेजेंस देते हैं। कितनी बड़ी शक्ति है, गुरुजी के बॉडी से ये प्रेजेंस आती है, तो कितनी बड़ी शक्ति है ये। वहां की प्रेजेंस मम्मी के सूट में थी कि गुरुजी ये मैसेज दे रहे कि मैं तेरे साथ हूं। तो ये सत्संग मैसेज मम्मी को ऐसे मिला सत्संग के थ्रू। तो ये संगत आज भी हो रही है ना, जो मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, तो ये गुरुजी की मर्जी से ही होता है। वो गुरुजी जानते हैं कि किसको कौन सा आंसर देना है, कहाँ किसको कैसे ब्लेस करना है। गुरुजी के अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं संगत जी। तो कभी भी परेशान नहीं होना कि गुरुजी मुझे इस बात का आंसर नहीं मिल रहा, मैं इस संगत से पूछ लूं या यहाँ चली जाऊं या वहां चली जाऊं। नहीं, किसी को मीडियम नहीं बनाना। गुरुजी मना करते थे इस चीज के लिए कि कोई मीडियम नहीं बनेगा। देखो मीडियम गुरुजी बनाते हैं किसी ना किसी को, वो अपने आप बनाएंगे, आपको नहीं जाना। अपने आप आपको आंसर भी देंगे, किसी मैसेज के थ्रू दे सकते हैं, किसी संगत के थ्रू दे सकते हैं, या आपको खुद भी खुद गुरुजी। और मेरे को ना जितने भी मैसेज मिले ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे जितने भी मैसेज मिले ना, मुझे किसी संगत से नहीं मिले, मुझे किसी ग्रेस से नहीं मिले। जो आजकल ग्रेस आती ना लिखी हुई, आज की ये ग्रेस है, वो भी कभी कभी झूठी होती है संगत जी। वो संगत भी खुद बना के आजकल ना एडिटिंग करने लग गए हैं। इस चीज को आप ना माने, हर कुछ सच नहीं होता। कभी कभी गुरुजी कहते थे आंखों देखा और कानों सुना भी झूठा होता है। तो यही चीज है। और आजकल तो आपने देखा ही है, इतनी एडिटिंग करते हैं गुरुजी की फोटो के साथ, गुरुजी के स्वरूप के साथ, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। और ये चीज बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं संगत जी। गुरुजी इस चीज से बहुत नाराज होते हैं, तो ये चीज ना करें। और आप किसी को देखते भी हैं तो वहीं पे उनको रोक दें कि आप एडिटिंग ना करें गुरुजी के स्वरूप के साथ या ग्रेस के साथ। गुरुजी अपने मैसेज खुद देते हैं। ये आपको लगता है या मुझे लगता है कि गुरुजी स्वरूप में है, गुरुजी की तो एक फोटो लगी है तो कैसे बोलेंगे? वो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं गए हैं। मैं खुद इस स्वरूप से, गुरु पापा ने मेरे से बात करी है, बताओ कैसे करी है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मेरे से खुद गुरु पापा ने कितने मैसेज दिए हैं मुझे, ड्रीम सत्संग में आके मैसेज दिए हैं। जो मैं बोलती हूँ वो वही गुरुजी ये अरदास को पूरी करते हैं। इतनी पावर है ना अरदास में। अरदास किया करो, गुरुजी से डायरेक्ट बातें करो, किसी को मीडियम नहीं बनाना। तो देखो मम्मी ने वहां सत्संग सुना, वहां पे उन आंटी ने शेयर किया था कि प्रेजेंस का होना होता है गुरुजी का साथ आना। तो उनको आंसर मिल गया कि गुरुजी आए। अब जब से उस दिन का दिन है और आज का दिन है संगत जी, गुरुजी ने इतनी प्यारी लाइफ कर दी है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चाहे कितने कष्ट आ जाए, कितने हम खुशियों, कभी गुरुजी को नहीं भूलते। गुरुजी को कभी नहीं भूलना, भगवान को कभी नहीं भूलना। चाहे आप कितने मौज करो, कितने दुखी हो, कभी नहीं भूलना। और लोगों का पता क्या है, मेरा खुद का है, मैं नहीं मानती थी। मतलब हम तो चलो बच्चे थे, हम पढ़ रहे थे उस टाइम, तो सारा माइंड स्टडी में भी होता है। बच्चे और बड़ों में आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंस होता ही है। अब आप मेरे मम्मी पापा जैसे ही हो, आप और मुझ में बहुत डिफरेंस है। मैं गलती कर सकती हूँ, लेकिन आप फिर भी नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा नहीं ये चीज गलत है। और बच्चा कर देता है ये गलती, बच्चे को नहीं होती इतनी समझ। तो हमें नहीं थी, तो मैं जाती थी मम्मी के पास। जब मैं दादी के पास थी, मम्मी के पास जाती थी, रोहिणी में रहते थे पहले, तो वहां जाती थी तो मम्मी बताती थी गुरुजी हैं और ऐसे ऐसे। मम्मी ने अपने सत्संग शेयर किए कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी और गुरुजी आए हैं साथ में। तो मम्मी शब्द सुना करती थी, तो मैं भी जाती थी, मैं भी सुनती थी। तो मेरा भी बड़ा मन लगने लग गया गुरुजी में, लेकिन मैं गुरुजी को गुरुजी जानती थी, इससे ज्यादा मेरे कोई रिलेशन नहीं था गुरु पापा के साथ। उसके बाद जब मम्मी वहां पे वापिस यहीं आ गए, जहां हम अभी हैं करंटली नागलोई में, अभी हम यहीं रह रहे हैं, अभी हम सिक्योरिटी के घर में रह रहे हैं और इसमें भी रह रहे हैं, तो बहुत अच्छा रेंट भी दे रहे हैं और सब कुछ, बड़े खुश हैं हम। हमें कोई गम नहीं है कि हमारे पास अपना घर नहीं है या हमारे पास ये चीज नहीं है। हम बहुत कुछ अच्छा पहनाते हैं गुरुजी, अच्छा खिलाते हैं गुरुजी, सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है, कोई परेशान नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब से गुरुजी आए हैं।
तो जब हम यहाँ पे आ गए उसके बाद मेरी 12th हो गई, फर्स्ट ईयर भी हो गया। तो कुछ जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई, वही ना जब मुसीबत आती है तो हम भगवान को याद करते हैं, तो मेरा तो यही था। मैंने तो तभी याद करा था जब प्रॉब्लम आई मेरे साथ, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, कुछ अपना माइंडली डिस्टर्ब हो गई थी मैं, गलत रास्ते पे चली गई थी, तो मुझे नहीं पता था किसको क्या बोलना। मेरे पापा भी नहीं थे और मम्मी से सब बात शेयर नहीं कर सकती मैं, थोड़ा मम्मी मेरे हाइपर जल्दी हो जाते हैं तो मैं नहीं कर सकती। तो मेरे लिए तो मेरे गुरु पापा ही मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ हैं। वही ना बाप बेटी का रिश्ता बहुत, आपको पता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, और मम्मी बेटे का होता है और पापा बेटी का होता है, तो ये चीज होती है, ये रियलिटी है। जितना प्यार बेटियां अपने पापा से करती हैं उतना किसी से नहीं करती हैं, तो मैं तो गुरु पापा से बहुत प्यार करती हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ था, पहले मैं भी अमृत वेला गुरु जी का करा करती थी, वाहे गुरु जी का, बहुत मंत्र जाप वगैरह शब्द वगैरह सुनती थी, गुरबानी पाठ सुनती थी, जपजीप साहिब का, सुखमनी उनका, बहुत सारे पाठ है गुरु जी के, आनंद साहिब जी का, यही पाठ सुनती थी अमृत वेले में। मैं बहुत सारे शब्द सुनती थी गुरु जी के, जब तक मैं इतना ही जानती थी गुरु जी को। तो कैसे मेरा कनेक्शन बना ये मैं आपका खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई लाइफ में कि गलत ट्रैक पे चले गए, और जब मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैंने पहले भी शेयर किया, मैं शॉर्टली कर रही हूँ क्योंकि मुझे और भी सत्संग शेयर करना है करंटली, जो गुरु जी ने मुझे बख्शे हुए, जो गुरु जी आज बुलवाएंगे। तो मैंने ऐसे करके कहा कि गुरु जी आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैंने खुद कहा था, मैं बिल्कुल आपको रियलिटी बता रही हूँ, मैंने खुद कहा था अमृत वेले में। और मैं उस टाइम, मुझे नहीं पता उस दिन मुझे क्या हुआ था, मैं इतना रो रही थी, इतना रोई मैं, मेरा पार्ट चल रहा, मेरी लीड लग रही, और मैं इतने दल 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 आंसू बह रहे, सब सो रहे थे, सब 2:30 बजे मैं उठती थी, नहाती थी, उसके बाद गुरुजी के पास बैठती थी, नीचे वाले रूम में रॉकस्टार स्वरूप लगा हुआ है गुरुजी का, बड़ा प्यारा महाशिव का, तो वहां बैठ के मैं पाठ क्या करती थी अपना आराम से। तो मैं उस दिन रो रही थी बहुत ज्यादा, और मुझे वही चीज कि मैं गलत ट्रैक पे चली गई, गुरुजी कैसे हो, मतलब मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन है, गुरुजी की महिमा किसी को बता नहीं सकते, कि बच्चे वाला दिमाग था उस टाइम, कुछ पता नहीं था। तो गुरुजी से कहा मैंने, मैंने कहा गुरुजी, मुझे मम्मी की बात याद आ गई थी कि नहीं भगवान ही है, भगवान जैसे ही है, और मुझे सब कुछ वही याद आ गया कि गुरुजी भी भगवान ही है, उनसे कम नहीं है, भगवान तो है ही भगवान, भगवान से कम गुरुजी महाशिव है, गुरुजी के बाद सब कुछ है। तो नहीं, मुझे तब तक यही था, स्टूपिड माइंड था, छोटा माइंड था, कि जब तक नहीं पता था गुरुजी की महिमा, तो यही मन में आ रहा था कि नहीं भगवान जैसा ही है गुरुजी। तो मैंने कहा आप गुरुजी आप हो ना अगर, तो आप मेरे पापा, मैं आपको पापा बोलूंगी आज से। मैंने उसी दिन गुरुजी को फर्स्ट टाइम गुरु पापा बोला था, और ऐसे करके मैंने हाथ दिया था, गुरुजी पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, या तो आप मुझे अच्छे से रास्ता दिखाओ, मैं गलत रास्ते पे ना जाऊं, मेरा माइंड रिलैक्स करो गुरुजी, मेरा दिमाग पढ़ाई में लगे, घर में लगे, है ना, मैं गलत रास्ते पे ना जाऊं गुरुजी। तो उस दिन से, या तो मुझे अपने पास बुला लो, ये भी मैंने बोला, उस टाइम स्टूपिड माइंड था, नहीं था दिमाग, तो ये चीज बोली, लेकिन गुरुजी ने तो अपना बनाना था, तो गुरुजी ने, मैंने ऐसे करके हाथ दिया, और इतना टाइटली हाथ पकड़ा हुआ है गुरुजी ने, इतना स्ट्रांगली मेरी भाव पकड़ी हुई है गुरुजी ने, कि सच में आज का दिन है गुरुजी ने इतनी सुंदर लाइफ कर दी ना, मेरा फ्यूचर तक गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब गुरुजी ने देखा है, तो सब कुछ ब्लेस किया उन्होंने। हमने तो पास्ट नहीं देखा, हमने तो फ्यूचर नहीं देखा, लेकिन गुरुजी ने तो देखा है, उन्होंने मेरे को इतना विश्वास है ना, विश्वास ही सब कुछ है संगत जी। चाहे कोई भी आपका रिश्ता हो, आपने खुद देखा है ना फैमिली में, चाहे मम्मी पापा का रिश्ता हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे ब्रदर सिस्टर का हो, चाहे किसी रिश्तेदार से रिश्ता हो, चाहे फ्रेंड का भी हो, तो विश्वास सबसे जरूरी है। विश्वास जहां आपका, एक जगह अगर विश्वास नहीं बना तो दूसरी जगह भी नहीं बनेगा, ये चीज तो आप भूल ही जाओ, ये अपना वहम होता है। आप एक भगवान के पास गए, आपको मुसीबत आ गई, क्या पता उन्होंने आपके कष्ट काटे हो, क्या पता आप आज, आपको आपके कुछ कर्म काट के कल आपको आपका अच्छा समय आए। लेकिन संगत पता क्या करती है, लोग पता क्या करते हैं, नहीं आज बड़ा बुरा समय चल रहा था, इस गुरु ने तो सुनी नहीं, इस भगवान ने तो सुनी नहीं, चलो अब हम दूसरे भगवान को मानेंगे। दिस इज नॉट फेयर संगत जी, ये करना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल है। हम ऐसे करके भगवान का औहदा कम कर देते हैं, सच बता रही मैं, औहदा कम कर देते हैं। ऐसे कोई भगवान आपको, देखो भगवान तो है ही भोले भंडारी, चाहे वो भोले जी हैं, चाहे वो गुरु जी हैं, चाहे वो साईं बाबा जी हैं, भगवान तो है ही भोले भंडारी, वो तो अपने बच्चे को हमेशा अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन हम इतने स्टूपिड है ना, हम कलयुगी जीव है,
हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं कभी कभार, तो ऐसे लोग हैं हम। हम नहीं समझ सकते भगवान की महिमा को। इसलिए मैं संगत जी यही कहूंगी, अगर आप एक भगवान को मानते हैं ना, उसी में सब कुछ है। आप राम का नाम लेते हो तो राम जी में ही गुरु जी बैठे हैं। तो यही कहूंगी कि गुरु जी आप जिसको भी मानो, मैं ये नहीं कह रही आप गुरु जी को मानो या किसी एक भगवान को, आप जिसको भी मानो, लेकिन श्रद्धा भाव से, श्रद्धा भाव चाहिए भगवान को, भरोसा चाहिए, भरोसा बनाओ। सबसे पहले भरोसा होना चाहिए गुरु जी को, बस यही चाहिए था कि मेरे पे भरोसा रखे संगत मेरी। गुरु जी ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया गुरु जी ने। अब मैं आपको रिसेंटली सत्संग शेयर करती हूँ अपना, संगत जी ये गुरु जी की स्टार्टिंग थी जब गुरु जी आए, उसके बाद गुरु जी ने बहुत सेवा दी मुझे, बहुत सेवा दी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने इतनी प्यारी प्यारी सेवा दी अपने बच्चे को, क्योंकि मैंने हमेशा गुरु जी से गुरु जी को मांगा, उनकी सेवा मांगा। तो जब मैं कनेक्ट हो गई, मेरी 12th हो गई, मेरा फर्स्ट ईयर भी हो गया, गुरु जी ने मुझे हमेशा ब्लेस किया संगत जी। कोई एक ऐसी सिंगल चीज नहीं है जहां गुरु जी मेरे साथ ना हो, हर पल मेरे साथ रहते हैं। तो बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरु जी आज बुलवा देंगे। तो जब मैं गुरु जी से ये मांगा करती थी ना, तो मैंने यहाँ पे दरबार लगाया नहीं था, ये दरबार नहीं था मेरे पास, ये टेबल भी नहीं थी, ये चोला भी नहीं था, गुरु जी का कुछ भी नहीं था, गुरु जी पर स्वरूप था मेरे पास गुरु जी का। तो ना हमारे पास एक स्टूल हुआ करता था, जो अब हमारा वो स्टूल जो है जल गया। वो जल कैसे गया मैं वो भी बताती हूँ आपको। वो स्टूल पे गुरुजी बैठते थे, तो मेरे पास एक प्लास्टिक का स्टूल था जहां मैं गुरुजी को बिठा सकती थी, यही मेरी औकात थी। मैं आपको रियलिटी बता रही, मेरे पास कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। तो लेकिन गुरुजी को प्यार चाहिए, श्रद्धा भाव चाहिए। तो मैं हमेशा मन मन में बोलती थी कि गुरुजी अब तो गुरु पापा बन गए, मेरे पापा बन गए, मेरे साथ रहते हैं, पल पल ब्लेस किया हर एक सेकंड। ये जो सांस चल रही है ना, एक एक सेकंड की वो गुरुजी दे रहे हैं, वो गुरुजी है बैठे हैं, इन सांस में भी गुरुजी बैठे हैं। उनके बिना तो ये बाल भी नहीं है, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है, कण भी नहीं है उनके बिना मेरे लिए। और आपके लिए भी ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। तो गुरुजी से मैं यही कहा करती थी मन मन में, जब तक गुरुजी ने मुझे एक सेवा नहीं दी थी, मैं तो गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी गुरु पापा मुझे सेवा दिया करो ना। मैं संगत को देखती हूँ, लाइव आते हैं, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कोई ऐसा सत्संग करता है, जानती नहीं थी उनकी बिल्कुल भी महिमा को। मैं बस गुरु पापा के कान खाया करती थी कि गुरुजी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, सेवा दे दो। एक दिन ऐसा आया, इतना सुंदर वो दिन, और थर्सडे का वो दिन था 2020 में, गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम शिव पुराण पढ़ने की सेवा दी अपने से जब कनेक्ट किया। तो जो स्टूल था ना मेरे पास, उस स्टूल पे मैं अपनी मम्मी के दुपट्टे भी छाती थी। देखो मेरे पास एक चोला भी नहीं था गुरुजी के लिए पार्टिकुलर कि अलग मैं चोला लेके आऊं, लेकिन उनको सिर्फ प्यार चाहिए था। वो वहां पे भी बैठे हैं, गुरुजी वहां पे भी बैठे हैं, गुरुजी ने मुझे खुद आशीर्वाद दिया है, खुद बोला है जायश कर। ये नहीं कि गुरुजी को सिर्फ चोला ही चाहिए कि बैठने के लिए, उन्हें नए कपड़ा ही चाहिए, नई कुर्सी चाहिए, नहीं, उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें प्यार चाहिए। तो मेरे पास स्टूल था, मैं मम्मी का दुपट्टा लेती थी रोज, एक नए सूट का दुपट्टा लेके बिछाती थी, उस पर गुरु जी को बिठाती थी, भोले बाबा को बिठाती थी, गुरु नानक जी को बिठाती थी। ये तीन मेरे वो एक ओंकार थे जिनका मैं दरबार लगाती थी, और अब तो ठाकुर जी की भी सेवा दे दी, तो अब ठाकुर जी भी बैठा करते हैं तो ठाकुर जी और गुरु जी सब एक ही हैं। तो पहले मैं गुरु जी को ऐसे बिठाया करती थी। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम सेवा मिली ना, तो मुझे अंकल जो सुरेश वासन अंकल है संगत जी, शुकराना प्लेटफॉर्म के जो सेवादार अंकल है, उनका मेरे पास कॉल आया, और मैं बड़ा मिस करती हूँ अंकल को। अभी वो इंडिया से बाहर गए हुए हैं, तो अभी मेरी उनसे बात नहीं हो रही है। तो उस प्लेटफॉर्म पे मेरी आज तक सेवा चल रही थी, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी दिक्कत हो गई कि मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ। ये भी गुरु जी की मर्जी है कि गुरुजी अभी कराना नहीं चाह रहे हैं, तो सब गुरुजी देखते हैं कि क्योंकि मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी, तब से मैं लाइव आना बंद हुई थी। ये देखो कि उनको पता है कि गले में दिक्कत है। काम भी मेरा ऐसा था कॉलिंग का, मैं आपको पता है मैं काम करती थी ऑनलाइन, गुरुजी ने वो काम भी अभी पिछले महीने से बंद करवा दिया, और सब मेरी सेवा भी बंद हो गई कि उसके गले में दिक्कत है, ये काम तो बंद कर देगी लेकिन सेवा बंद नहीं करेगी। मैं नहीं करती, मुझे सेवा करनी करनी है गुरु पापा की, चाहे कुछ भी हो जाए संगत जी, चाहे जमीन आसमान कुछ भी हो जाए, मैं सेवा जरूर करूंगी। क्योंकि जब तक सेवा नहीं करूंगी ना, तो मेरे हलक से रोटी भी बड़े किलस किलस की उतरती है कि गुरुजी का आज मैंने सेवा नहीं कर पाई, या मैं गुरुजी से बात नहीं कर पाई, कि मेरा दिन आज का ऐसा गया कि मैंने गुरु पापा का नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं, मैं चाहती नहीं ये दिन ना आए गुरुजी, कभी ना आए सच में। मैं तो मेरे तो सांसें निकल जाएंगी। तो मैंने कहा
अंकल को कॉल आया कि बेटा आप शिवपुराण पढ़ लोगे, शिवपुराण है आपके पास? मैंने कहा हाँ जी है, क्योंकि मेरी मम्मा पढ़ते थे तो मेरी मम्मा ने मंगाया थी ऑनलाइन सेवा शिवपुराण की, जरूर पढ़नी चाहिए संगत जी, जिसके पास नहीं है वो मंगवा ले शिवपुराण, ऑनलाइन लिंक्स भी है शिवपुराण के और आप वैसे भी परचेस कर सकते हो, तो जरूर पढ़नी चाहिए शिवपुराण संगत जी, जरूर पढ़नी चाहिए। गुरुजी ने कहा था जिसने शिवपुराण पढ़ ली ना, उसने अपनी आधी लाइफ तो जी, उसको पता चल गया कलयुग में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ है उसमें, सब कुछ है। वो पहले पेज पे ही लिखा है कि कलयुग कैसा आएगा, जो हम जी रहे हैं ना इस समय में, आपने देखा ही है कोई किसी चीज से परेशान है, किसी का फाइनेंशियली इश्यू है, किसी का हेल्थ इश्यू है, कोई किसी के बारे में है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी की गाड़ी है, किसी का घर है, तो ये चीज, और आजकल यही होता है आपको पता ही है। तो गुरु जी ने उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग ऐसा ही आएगा और सच में ऐसा ही है, तो जब तक शिवपुराण नहीं पढ़ोगे ना तब तक पता नहीं चलेगा, जरूर पढ़ो, और एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार पढ़ो, लेकिन जरूर पढ़ो। कि गुरु जी कहते थे एक बार में समझ नहीं आएगी, ये भी गुरु जी ने कहा था, एक बार में शिवपुराण समझ नहीं आएगी दोबारा पढ़ो, दोबारा समझ नहीं आएगी तिवारा पढ़ो, अगर एक पेज नहीं पढ़ पा रहे 6 लाइन पढ़ो, आधा पेज नहीं पढ़वा रहे 6 लाइन पढ़ो, 6 नहीं पढ़वा रहे 4 पढ़ो, 1 लाइन पढ़ो बेशक, लेकिन पढ़ो, चाहे 2 मिनट का समय निकालो लेकिन पढ़ो। तो मेरे को फर्स्ट टाइम सेवा मिली शिवपुराण की, अंकल का मैसेज आया कि बेटा आपको ऑनलाइन सेवा करनी है और दरबार ऐसे गुरुजी का सब रूप होना चाहिए पीछे, मतलब गुरुजी होने चाहिए, कुछ अदर चीजें नहीं होनी चाहिए, अच्छे से जगह पे गुरुजी को बिठा के जोत जला के गुरुजी के ऐसे करके उन्होंने मुझे समझाया आपको शिवपुराण पढ़नी है। मैंने कहा ठीक है अंकल, और ना मेरे पास कुछ था, गुरुजी का स्वरूप भी वॉल पे था पहले ये वाला, जब से गुरुजी आए हैं तो अब गुरुजी बैठे हुए हैं और 2 साल से गुरुजी ने दरबार लगवाया हुआ है, तब बहुत सुंदर, सच में घर तो स्वर्ग से भी प्यारा हो गया है जब से गुरुजी आए हैं। तो उस टाइम मेरे पास स्टूल था, मैं मम्मी की चुन्नी भी छाती थी, छोटा वाला स्वरूप रखती थी, और उस टाइम गुरुजी सच में संगत जी, उस टाइम के आज भी गुरुजी आके बैठा करते थे, मेरे को खुद फील हुआ है कि गुरुजी ने मुझ खुद का आए, जब मैं डांस कर रही थी ना गुरुजी के पास, गुरुजी ने खुद का आए जो ऐश कर, तो गुरुजी खुद आते थे बैठते थे, और जब मैं सेवा करती थी ना तो मेरे को बड़ा डर लगा, मैं कहती थी गुरुजी मतलब मैं कैसे सेवा करूंगी, तो मैं अपनी मम्मी के भी काम खाती रहती थी, गुरुजी कैसे करूंगी, मम्मी बड़ा डर लगता है, लाइव आना पड़ेगा, अंकल ने बोला ऐसे ऐसे करना है फेसबुक पे, और फेसबुक पे मैंने आईडी नहीं बनाई थी कभी भी, मैं कभी फेसबुक पे नहीं थी और मैं चलाती नहीं थी, मतलब सेकंड ईयर में मुझे फोन मिला था, उस टाइम ही फोन मिला था जब गुरुजी की सेवा मिली, तभी थोड़ा बड़े हुए 20 ईयर्स में मुझे फोन मिला, उसके बाद मैंने फेसबुक कभी नहीं चलाया, तो सोशल मीडिया पे मैं बहुत कम थी, बहुत कम थी, फेसबुक चलाती नहीं थी, इंस्टाग्राम वगैरह ही चलाती थी, तो मुझे नहीं पता था फेसबुक पे सेवा होती है। तो अंकल का कॉल आया और जिन अंकल ने मुझे जोड़ा वो भी अंकल बड़े मंदिर के सेवादार थे, सडनली गुरुजी ने उनको मेरे पास भेजा, मुझे नहीं पता कहाँ से उन अंकल के पास मेरा नंबर गया उनका, मतलब उन्होंने कहा मेरे पास कॉल आया कि बेटा आप सेवा करोगे, तो मैंने कहा हाँ जी, तो उन अंकल का फिर सुरेश वासन उन्होंने उनका अंकल को दिया कि इन आंटी से बात करो ये बच्चा भी सेवा करेगा, तो अंकल का मेरे पास कॉल आया कि बेटा आप कर लोगे ना सेवा, वो तो नहीं है कुछ, मैंने कहा नहीं, और मैं सबसे छोटी थी उस ग्रुप में, सभी संगत मतलब ओल्ड संगत भी थी वहां पे, सब बड़ी आंटी अंकल थे, तो मुझे बड़ा डर लगा, लेकिन गुरुजी ने जिस, छोटा बड़ा कुछ नहीं है गुरुजी के लिए, चाहे छोटा बच्चा हो, आपको पता ना गुरुजी के सामने सब अंकल आंटी है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, तो सब समान है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे काला है चाहे गोरा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सब गुरुजी के सामने गुरुजी के बच्चे एक समान होते हैं। लेकिन मैं तो डर रही थी ना, मैं छोटी थी कि गलती ना हो जाए, तो अंकल ने बोला आपको ना आईडी बनानी है बेटा, आप फेसबुक पे हो ना, आप अपनी आईडी भेज दो ताकि मैं आपको वहां का मॉडरेटर बना दूं, तो मैंने कहा आईडी तो है नहीं मेरे पास, फेसबुक तो मैं चलाती नहीं, तो अंकल मैंने कहा अंकल मैं आज शाम को ना आईडी बना लूंगी फिर मैं आपको भेज देती हूँ अभी, तो कहते आप ना आईडी गुरुजी की बेटी के नाम से आप सेवा करना। अब पता नहीं उन्होंने कैसे, मैं तो उनको नहीं जानती थी, और इतने ब्लेस्ड सोल है ना, इतनी प्योर सोल है ना वो संगत जी, गुरुजी उनको टेलीपैथी आते हैं और बात भी करी गुरुजी ने उनसे, टेलीपैथी वो सेवा करते हैं गुरुजी की, मतलब बहुत जो प्योर सोल है वो बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। उन्होंने मुझे कहा कि आप ना गुरुजी की बेटी के नाम से ही सेवा करना बेटा, अब बहुत प्यारे बच्चे हो, जबकि वो मुझे नहीं जानते थे, मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन गुरु परिवार गुरुजी क्यों छोड़ के गए हैं, इसीलिए अपने साथ छोड़ देंगे, लेकिन जो गुरु परिवार है ना वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, अपने अपने ना इतने ही गलत बोल देंगे हैं, गलत आपको इल्जाम लगा देंगे, अच्छा बुरा बोल देंगे, लेकिन जो गुरु परिवार है ना, गुरु परिवार जैसा परिवार तो कहीं मिल ही नहीं सकता,
इतने अच्छे। जय गुरु जी की तू मम्मा मेरी माँ गुरु जी ने दी हुई तो बहुत अच्छे हैं। और यही गुरु जी ने इसलिए अपना परिवार देके गए, गुरु जी की गुरु परिवार जहाँ है ना वहाँ एक एकता है। तो हम सब देखो, हम मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, कभी मिले भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कितने आप, मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मेरे मम्मी पापा हो, तो ऐसा कनेक्शन होता है। तो गुरु परिवार है ही ऐसा। कितनी रात को अगर आप अपनों को भी बुलाओगे ना कॉल करके कि ये मुसीबत है, ये एक बार को अपने मना कर देंगे रिश्तेदार, लेकिन गुरु परिवार कभी मना नहीं करेगा। तो ऐसा है मेरे गुरु जी का परिवार, इतने प्यारे। जय गुरु जी वरुण भाई, जय गुरु जी। तो ऐसे ही मतलब मैं आपको क्या बता रही थी गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही थी। जब स्टार्टिंग मतलब मुझे सेवा मिली तो अंकल ने मुझे बोला कि गुरु जी की बेटी के नाम से आप सेवा करना। तो गुरु जी की जो बेटी, आज भी मेरी आईडिया आपको पता है, गुरु जी की बेटी के नाम से ही मैं जानती हूँ, मैं मिली हुई हूँ। हाँ जी, गीतू मम्मा तो मेरे से मिले हैं और गीतू मम्मा से तो मुझे और भी मिलना है कल भी मैंने गीतू मम्मा यही मैं गुरुजी से बात कर रही थी रात को, मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला, मैं पता क्या बोल रही, मैंने कहा गीतू मम्मा अब सत्संग में तो मेरे को वही दिमाग में आ रहा है कि सत्संग में नहीं जा पाई गीतू मम्मा के घर। तो मैंने कहा गीतू मम्मा के घर ना मैं खुद ही जाऊंगी, अंकल और मैं जाएंगे, जब ब्लेसिंग ना मैं कुरियर से नहीं भेजूंगी, मैं खुद जाऊंगी ब्लेसिंग, गुरु जी की जो ब्लेसिंग गुरु जी ने दी है ना आप गीतू मम्मा के लिए जो रखी है मेरे पास, और मैं खुद जाऊंगी उनको देने, अब मैं कुरियर नहीं करूंगी मतलब मेरा इतना मन हो रहा है ना मिलने के लिए, आई डोंट नो क्यों गुरु जी मिलवा रहे हैं गीतू मम्मा से, मुझे नहीं पता कौन सा आंसर दे रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, आई डोंट नो, ये गुरु जी जानते हैं। तो संगत जी, गुरु जी की बेटी, मुझे गुरु जी ने खुद ये नाम दिया था कि तू गुरु जी की नाम से ही सेवा करेगी, और आज भी मैं गुरु जी की बेटी के नाम से ही, मुझे सारी संगत भी, जितने भी संगत है, देखो मैं नहीं जानती, मैं कभी किसी से मिली नहीं हूँ, सारी जितनी भी मेरी दीदियां हैं, जितनी भी मेरी मम्मी है, पापा है, भाई है गुरु जी की संगत में, सबने मेरा नाम भी फीड किया हुआ है गुरु जी की बेटी के नाम से। देखो मुझे तो नहीं पता, सडनली मुझे पता चल जाता है कि गुरु जी की बेटी के नाम से मेरा नाम भी, सब मुझे ऐसे ही बोलते हैं। अब सडनली मेरे पास ना एक तो मैसेज आया, मैं नहीं जानती कौन है, अननोन पर्सन है। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक बार नहीं मतलब संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, कई बार ऐसा हो चुका है कि गुरु पापा का प्यार है और कुछ नहीं है, प्यार चाहिए बस मुझे उनसे, और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझको सब कुछ दे रखा है गुरु जी ने, तो मुझे सिर्फ वो चाहिए, उनका प्यार चाहिए। तो मेरे पास सडनली मैसेज आया कि आप गुरु जी की बेटी हो। तो मैंने तो मैं तो बोलती हूँ हाँ हूँ, मैं बड़ा प्राउड के साथ बोलती हूँ मेरे पापा है, सच में मेरे रियल पापा हैं, कोई वो नहीं है। तो कहते हैं आप सच में बताओ आप गुरु जी की बेटी हो, मैंने कहा हाँ जी मैं बेटी हूँ, मतलब मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, मैं गुरु जी से यही आके बोलती हूँ कि गुरु पापा मैं आपका बच्चा ही हूँ ना सच में, तो सच में पता चल जाता है नहीं मैं गुरु जी की बेटी हूँ। तो उन अंकल ने मुझे कहा था गुरु जी की बेटी के नाम से तू सेवा करेगी, और आज भी गुरु जी की कृपा इतनी है कि मैं गुरु जी की बेटी के नाम से ही सेवा करती हूँ, और मैं सातों जन्म ऐसी सेवा करना चाहती हूँ गुरु जी की, और मैं उनकी बेटी ही बनना चाहती हूँ, सातों जन्म मेरे पापा बने। तो मैं यही चाहती हूँ, गुरु जी से प्यार करो, गुरु जी पे विश्वास करो, श्रद्धा भाव चाहिए गुरु जी को, सरेंडर, सरेंडर करने का क्या मतलब है, सरेंडर करोगे तब जब गुरु जी की आज्ञा होगी। सरेंडर करने के लिए गुरु जी से यही अरदास करनी है कि गुरु जी हमें अपना बना लो, गुरु जी ये हमें पावर दो, ये हमें हमारे अंदर ऐसे भाव डालो कि हम आप मतलब अपने आप को आप पर सौंप पाए गुरु जी, क्योंकि गुरु जी कहते थे ना, वो गुरु जी का वचन है मुझे नहीं आ रहा बोलने, कि अपना जो घोड़ा अपने हाथ में दोगे तो मैं सीधा उसको लेके हाकांगा, ऐसे करके गुरु जी ने कोई वचन दिया था, मुझे नहीं आ रहा गुरु पापा वो वचन, कि गुरु जी के हाथ में अगर आप अपने जीवन की डोर देते हो ना तो गुरु जी इतनी सुंदर लाइफ आपकी कर देते हैं ना संगत जी, बहुत सुंदर। अब मैं आपको लेटेस्ट अपना सत्संग शेयर करती हूँ जल्दी से टाइम के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी की बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। अभी लास्ट शिवरात्रि की, तो गुरुजी ने हर अपने फेस्टिवल अपने त्योहारों पे हमेशा ब्लेस किया है, हमेशा ब्लेस किया है संगत जी, हमेशा ब्लेस किया है। तो गुरुजी ने हर इतने छोटे छोटे मतलब कष्ट भी काटे हैं, बहुत कष्ट काटे हैं गुरुजी ने, गुरुजी की झल्ली, जय गुरु जी, बिल्कुल गुरुजी की झल्ली हूँ मैं, गुरुजी की बेटी गीतू मम्मा, गुरुजी की कमली है गुरुजी की मीरा है जय गुरु जी।
अरदास, बिल्कुल ज्योति आंटी, अरदास में बहुत पावर है। गुरु जी से अरदास किया करो, और गुरु जी से अरदास में यही करना है गुरु जी कि मैं तो अरदास करती हूँ तो मैं एक ही चीज बोलती हूँ, अपना मैं आपको बता रही हूँ, गुरु जी मुझे तो आप चाहिए और सभी संगत को भी आप झोलियों में खुशियां भरना गुरु जी। किसी की फाइनेंशियली इशू ना हो कभी भी गुरु जी, किसी का हेल्थ इशू ना हो, सबको आप खुश रखना गुरु जी। यही अरदास है कि गुरु जी सबको हमेशा चंगा रखे, जब सबको ऐश कराए, मुझे तो सिर्फ गुरु जी चाहिए। तो आपको भी सिर्फ गुरु जी मांगना है, गुरु जी से गुरु जी को, रब से रब को मांगो और रब की सेवा मांगो, क्योंकि सेवा में मेवा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही है गुरु जी से मेरा प्यार। तो संगत जी, अभी लास्ट शिवरात्रि पे, अभी जो महाशिवरात्रि गुरु जी की गई है, जब शादी होती है भोले जी की, तो उस टाइम मुझे गुरु जी ने ये मैसेज भी दिया था कि शिव पुराण पढ़नी है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि उसका भी कोई रीजन है, मैं पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि शिव पुराण को उस टाइम मैं हाथ नहीं लगा सकती थी, आप समझ सकते हैं, तो मैं हाथ नहीं लगा सकती थी, तो मैं उस दिन पढ़ नहीं पाई। लेकिन मुझे बड़े मंदिर गुरु पापा से मिलने जाना था, तो मैं क्या, गुरु पापा मुझे तो आना है, मैं हर अपना जन्मदिन, हर अपना त्योहार मैं गुरु जी के साथ मनाती हूँ, और मैं मनाना भी चाहती हूँ हर दिन। मैं तो कहती हूँ मेरी शादी पे भी मैं गुरु जी का, मेरा बस चले ना, सच बता रही हूँ, मैं तो गुरु पापा का ही सत्संग करूँ, शादी बाद में करूँ, मैं तो यही कहती हूँ, अपने घर पे भी यही कहती रहती हूँ कि नहीं, गुरु पापा जरूर बैठेंगे आके, गुरु जी ऐसे, मतलब मैं ज्यादा ही दीवानी हूँ कुछ। मुझे लोग पागल भी बोलते हैं, बहुत से चेली भी बोलते हैं गुरु जी की, बहुत उल्टा सीधे भी वर्ड्स यूज करे हैं मेरे को, लेकिन करने दो, कोई बात नहीं। अगर गुरु उस भगवान के लिए, उस महाशिव के लिए मुझे गलत बोला जा रहा था, मैं तो वो भी सुनूंगी, क्योंकि वो मेरे गुरु जी के लिए अगर बोल रहे तो मेरे लिए तो मेरे भगवान है, वो है तो मेरे लिए रोटी पानी है, मेरी सांसें हैं, उसके बाद तो उनके लिए, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, मैं तो उनसे उनको ही मांगती हूँ। तो मैंने कहा गुरु पापा को मैंने कहा महाशिवरात्रि है, मुझे तो बड़े मंदिर आप बुला लेना, नहीं तो आप मुझसे मिलने आ जाना। मैं एक दो ही बात उनको बोलती हूँ, या तो आप आ जाओ या मुझे बुला लो, वो आपकी मर्जी है, देख लो। तो गुरु जी ने मुझे बुलाया, बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर भी बुलाया, और ड्रीम में बड़े प्यारे प्यारे, उसी दिन रात को ड्रीम में इतना प्यारा गुरु जी ने दर्शन दिए। मैंने कहा डैडी या तो आप आ जाना मिलना, या मुझे बुला लेना, मैं डैडी या पापा ही बोलती हूँ गुरु जी को। तो मैंने कहा या तो आप आ जाना या मुझे बुला लेना। जय गुरुजी, धीरू मनोज गांधी अंकल हैं, आंटी है, संगत जी आप एक बार आप मुझे, संगत जी देखो अभी संगत हो रही है, और संगत के बीच में मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकती, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, और आप मेरे से जरूर बात करना। मैं तो गुरु परिवार से वैसे ही बहुत प्यार करती हूँ, मैं सभी अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए अंकल आंटी नहीं है, मेरे लिए मम्मी पापा है, मेरे सारे भाई बहन है। तो संगत जी, मतलब मैंने गुरु पापा को बोला मुझे बड़े मंदिर बुलाओ डैडी, या तो मेरे को मिलने आओ। तो गुरु जी ने बड़े मंदिर भी बुलाया उस दिन, तो उस दिन तो दो दो ब्लेसिंग थी, और मेरे से मिलने भी आया ड्रीम में। ड्रीम में मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, टेलीपैथी मेरे से बात करी है गुरु जी ने, प्रॉपरली आकर इसी चोले में जिस चोले में गुरु जी बैठे हैं, और व्हाइट चोले में तो मुझे बहुत गुरु जी ने दर्शन दिए हैं। मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट, बाकी सब फेवरेट तो सारे ही हैं, लेकिन जो वन ऑफ द फेवरेट मुझे, मेरे को व्हाइट चोला गुरु जी का बहुत ब्लेस्ड है, गुरु जी हमेशा मुझे व्हाइट चोले में दर्शन देते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, धीरू अंकल आंटी संगत जी जो भी हैं, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दे जय गुरु जी, अगर गुरु जी से रिलेटेड कुछ भी बात है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जय गुरु जी। तो मैंने कहा गुरु पापा मुझसे मिलने आ जाना और मुझे बुला लेना। तो उसी रात को, मतलब शिवरात्रि से एक दिन पहले रात को, मुझे ड्रीम में गुरु जी ने, मतलब अब शिवरात्रि थी तो मैंने कहा गुरु बाबा मुझे बुलाना, सेम दर्शन, मतलब भोले भंडारी नंदी जी पे बैठे हैं और गुरु जी बैठे हैं, वो गुरु जी हैं, वो भोले भंडारी तो गुरु जी है ना, तो प्रॉपरली भोले जी का रूप है, मतलब वो गुरु जी का फेस नहीं है उस टाइम, है वो गुरु जी, गुरु जी भोले जी, महाशिव गुरु जी है ना, और शिव शिव है और महाशिव हमारे गुरु जी है। तो शिव जी भोले जी बैठे हैं नंदी जी पे, और मुझे पता है कि उनकी शादी है, महाशिवरात्रि पे शादी होती है, तो शादी है उनकी, इसलिए नंदी जी पे बैठे हैं, बड़े तैयार होके, बड़े सुंदर, और जैसे हम सबकी जैसे शादियां हमने देखी है ना, ऐसी ही है भोले जी, वो बड़ा सुंदर उनका रूप है, बड़ा सुंदर रूप है, और साथ में अर्धांगनी उनकी काली माता, काली माता के दर्शन मतलब मेरे को कभी नहीं हुए लाइफ में, सेकंड टाइम हुए, और मतलब मैं कभी, मेरे मुंह से तो सिर्फ गुरुजी निकलता है, क्योंकि गुरुजी में मेरे लिए सारे भगवान है,
मैं अभी जब गीतू मम्मा के घर सत्संग था, इनवाइट मुझे आया गुरु जी का कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री मेरी उसको मेरी कुड़ी को भी आना है सत्संग में, तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस दिन खाटू श्याम जी का फर्स्ट टाइम मेरे, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था वहां, मेरे को हर तीर्थ धाम अच्छे लगते हैं, लेकिन हर तीर्थ धाम मेरे गुरु जी के चरणों में है, तो लेकिन जाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, जब से ठाकुर जी की सेवा गुरु जी ने दी है, ये भगवान गुरु भगवान से मिलाता है ना, तो ठाकुर जी की सेवा, जब ठाकुर जी भी आए तो ये भी गुरु जी ने ही भेजा है भगवान जी के पास है, तो भगवान बहुत भगवान का होता तो है ही बड़ा, तो गुरु जी ने भेजा ठाकुर जी के पास, तो जब से ठाकुर जी की सेवा मिली तो बड़ा अच्छा लगता है। खाटू श्याम जी के भजन सुनना, ठाकुर जी के भजन सुनना, कृष्ण जी के, मैं सबके सुनती हूँ, मुझे सारे भगवान जी मेरे लिए तो मेरे दीवाने हैं, सब गुरु जी हैं, तो मैं बड़ा दीवानी थी, मुझे भी जाना है खाटू श्याम जी, और मेरी मम्मा तो 2-3 बार हो भी आए हैं और जाते भी हैं, तो मैंने कहा मुझे भी जाना है, तो उसी दिन जिस दिन गीतू मम्मा के घर सत्संग था उसी दिन की हमारी टिकट थी, उसी दिन की ट्रेन थी खाटू श्याम जी की, इसलिए मैं जा नहीं पाई, लेकिन वहां पे भी गुरु जी ने, वहां पे भी मेरे लिए तो गुरु जी बैठे थे, है ना, वहां पे भी श्याम बाबा जी हैं, गुरु जी सब एक ही हैं, तो वहां पे भी गुरु जी बैठे थे, तो वहां पे गुरु जी मिल गए। तो संगत जी, जो मैं आपको ड्रीम सत्संग शेयर कर रही थी कि गुरु जी को जब मैंने बुलाया तो गुरु जी नंदी पे बैठे और महाकाली का रूप, और काली माता से, मतलब मैं, मुझे बड़ा विकराल उनका रूप है, आपको पता ही है बड़ा भयानक रूप होता है काली माता जी का, विकराल रूप, बड़ा सुंदर रूप होता है, तो मैंने सेकंड टाइम दर्शन करे, तो हमेशा गुरु जी के दर्शन ही करती हूँ मैं, फर्स्ट टाइम मैंने काली, सेकंड टाइम मैंने काली माता के दर्शन करे, इतने सुंदर भोले जी के साथ वो माता रानी अपना तैयार हो रही, इतना सुंदर उनका रूप, बिल्कुल मतलब विकराल रूप था, बिल्कुल काली माता, और इतनी सुंदर तैयार हुई, और उनकी शादी हो गई, मुझे पता है महाशिवरात्रि शादी होगी, इतना ही था मेरे ड्रीम में, इसके बाद मेरी आंख खुल गई और मैंने गुरु जी के पास देखा, क्योंकि नीचे हर जगह हमारे चारों तरफ गुरु जी का स्वरूप लगा है, गुरु जी बैठे हैं, तो मैंने गुरु जी की तरफ देखा, मैंने कहा गुरु पापा कितना सुंदर सत्संग था, मतलब कितनी सुंदर ब्लेसिंग थी संग की, पूरी शादी मैंने मतलब देख ली कि आज भोले जी और काली माता की शादी हो रही है, तो ये सब गुरु जी का प्यार है, गुरु जी की ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है, तो इसी में मेरी खुशी है, और कभी नहीं डरना संगत करने से, और आज भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना मुझे हेजिटेशन हो रही है, आई डोंट नो क्यू हो रही थी, देखो पापा हैं तो डर तो लगता ही है ना, परम पिता परमेश्वर से तो डर लगेगा ही लगेगा, भगवान से डरना भी चाहिए, वैसे वाला डरना नहीं कि मैं उनका रूप देखूंगी तो डर जाऊंगी, वैसा नहीं डरना, रिस्पेक्ट वाला डरना है कि नहीं भगवान जी देखेंगे, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो देख रहे हैं, वो फिर पनिशमेंट भी देते हैं, और गुरु जी ने तो मुझे सच बता रही हूँ, अभी गुरु पापा ने 3-4 दिन पहले मुझे पनिश इतना बुरा ज्यादा पनिश किया था ना मुझे, क्योंकि मैंने गलती करी थी, और गलती करके मुझे पता है कि वो देख रहे हैं बैठ के, अब वो मुझे पनिश भी करेंगे, और गुरु बाबा ने मुझे तुरंत आधे घंटे के अंदर पनिश कर दिया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, आधे घंटे के अंदर पनिश कर दिया था, और गुरु जी ने खुद खुद बोला था कि तू ना सबके लिए चंगा सोचा कर, नहीं तो तेरे कर्म बिगड़ेंगे फिर, तो मुझे डांटा ना उन्होंने कि मैंने मैंने किसी के लिए गलत सोच लिया था, जबकि वो गलत नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे, मैं जानती हूँ संगत को, तो ये मैं आपको मतलब पर्सनली बता रही हूँ फील, तो वो संगत में है, वो मतलब वो है दूर की संगत, मैं उनको नहीं जानती कौन है वो, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, उन्होंने तो गलत ही किया, लेकिन मैंने मन में गलत सोच लिया कि गुरु जी जानते कि उसने गलत किया है, वो गुरु जी देख लेंगे अपने आप की गलत है सच है, वो सही है या गलत है, उन्होंने गलत किया या किसी और ने गलत किया, मैंने तो उन्हें गलत सोच लिया ना अपनी तरफ से, अब पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, शायद मैं गलत थी, तो गुरु बाबा ने मुझे आते ही पनिश कर दिया, उसी टाइम गुरु जी ने मुझे डांटा, यही पंजाबी देखो गुरु जी कहीं नहीं गए, मैं यही बार बार समझाती हूँ, मन को अपने करो स्थिर करो, इधर उधर नहीं भटकाना है, गुरु जी यही बैठे हैं, यही बात करो गुरु जी से, गुरु जी खुद आंसर देंगे, यही बस यही समझना है हमें, और कुछ नहीं समझना संगत जी, कुछ नहीं समझना, तो गुरु जी ने मुझे खुद आके पनिश किया था कि तू सबके लिए चंगा सोचा कर, तू अपने कर्म बिगाड़ रही है, तो मैंने गलत सोचा था, मुझे डांट दिया ना गुरु जी ने, तो गुरु जी ऐसे ही हैं, तो गुरु जी प्यार भी करेंगे डांटेंगे भी, तो ऐसे हमारे गुरु जी महाराज, तो गुरु जी ने बहुत सत्संग दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग दिए हैं आपको, मैंने हमेशा शेयर भी किए हैं, और आज गुरु जी ने यही करवाना था, तो यही पे मुझे आज गुरु जी का शब्द भी सुनाना था, लेकिन मैं शब्द सुना नहीं पाई क्योंकि वो मुझे पूरा आता नहीं था, तो मैंने आज मैं सोची थी गुरु पापा मैं उसकी कुछ लाइनें लिखूंगी ताकि मैं सुना पाऊं, लेकिन मैं लिख नहीं पाई अभी तक,
तो ये सब गुरु जी की मर्जी है कि गुरु जी कह रहे थे आज तू रहने दे, शब्द मत सुना, तू सत्संग कर ले, कि आज मुझे बहुत डर लग रहा था। तो गुरु जी से अब बस यही अरदास करनी है कि गुरु जी हमें तो सिर्फ आप चाहिए और सबको सुखी रखना गुरु जी, सबकी झूले खुशियों से भरना, सबको अपना बच्चा बनाना। क्योंकि जो गुरु जी का, मैं कह रही हूँ कलयुग में जो गुरु जी का संगत है ना, जो गुरु जी की भक्त है, वो कभी ठोकर खा ही नहीं सकती, उसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता जो गुरु जी का बच्चा है। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि हमारे गुरु जी जैसा ना मैंने भगवान देखा है, ना मैंने गुरु देखा है, ना ऐसा कभी मिलेगा जिसके घर में एक फूल, गुरुजी एक धूपबत्ती नहीं चढ़ती है, एक घंटी नहीं बजती है, कुछ मांगते नहीं है, गुरुजी को कुछ चढ़ावा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए गुरुजी को, वो खुद सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। जय गुरुजी अनिल अंकल, जय गुरुजी अनिल मल्होत्रा अंकल है, बहुत ही ब्लेस्ड है। और पुनीत मल्होत्रा अंकल, तो मतलब अनिल अंकल और पुनीत अंकल, अगर अनिल अंकल सुन रहे हैं तो शायद ये गुरुजी बुलवा रहे हैं मुझे। तो कई बार ड्रीम में सत्संग करते हुए, भजन संध्या करते हुए अनिल मल्होत्रा अंकल, पुनीत मल्होत्रा अंकल जी खुद मैंने देख, गुरुजी के पास बैठ के मतलब भजन संध्या करते हुए ड्रीम में मुझे सत्संग सॉरी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, बहुत सुंदर सुंदर दर्शन दिया अनिल अंकल के, पुनीत अंकल के। एक बार नहीं, 3-4 टाइम्स मैंने, और मैंने पुनीत अंकल को शेयर भी किया है पर्सनली, मैंने शेयर भी किया उनके साथ, अनिल अंकल जी मैंने उनके साथ शेयर भी किया है कि गुरुजी ने आपने बहुत जल्दी, मेरा दिल कहता है कि बड़े मंदिर में भी संगत शेयर करेंगे, जल्दी से भजन संध्या करेंगे दोनों अंकल। तो बहुत सुंदर अंकल ने भजन भी अभी गाया है, छठ टेंशन जो गुरुजी ने उनको दिया है, सब कुछ गुरुजी ने दिया है। देखो गुरुजी जब भी अनिल अंकल या पुनीत अंकल स्पेशल, मतलब मुझे नहीं पता उनकी वाणी में ऐसा क्या है, गुरुजी खुद उनकी वाणी पे आके बैठते हैं, जब भी वो भजन गाते हैं ना, उनकी जो भजन की लाइन्स होती है डिवाइन, बहुत डिवाइन होती है, बहुत ज्यादा, कि मेरे लिए तो वो गुरुजी बोल रहे हैं। छठ टेंशन जो गुरुजी ने जो भजन अभी आप सुनना, अगर जिसने नहीं सुना है वो भजन छठ टेंशन अनिल और पुनीत अंकल जी ने गाया है, दोनों अंकल जी ने गाया है, बड़ा प्यारा भजन है, वो गुरुजी ने गाया है, वो अनिल अंकल जी पुनीत अंकल जी तो एक मीडियम है, वो गाया गुरुजी ने है, तो टेंशन ना ले छठ टेंशन, बड़ा प्यारा भजन है, बहुत ही प्यारा डिवाइन भजन है, जरूर सुनना संगत जी, और आज सारी टेंशन खत्म कर जाना और यहाँ से गुरुजी से यही मांग के जाना है। संगत में बैठे हो आप, गुरुजी बैठे हैं, आप सब बैठे हो, दरबार लगाए गुरुजी की आज्ञा से लगाए, तो जाते जाते गुरुजी से आज्ञा लेने से पहले यही मांगना है कि गुरुजी कि हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, हमें सिर्फ आप चाहिए, आपकी सेवा सत्संग सिमरन चाहिए, और सबका भला करना गुरुजी, और किसी की बातों को गौर नहीं करना, किसी को मीडियम नहीं बनाना, डायरेक्ट गुरुजी से कनेक्शन बनाओ, प्यार करो गुरुजी से, बातें करो, वो खुद आपको आंसर देंगे, जैसे मुझे खुद पनिश करके गए थे, हर बात का खुद आंसर करते हैं, तो गुरुजी खुद ही आएंगे आपके पास, वो कहीं नहीं गए, ठीक है, तो कहीं नहीं गए, उनको ढूंढना नहीं है, गुरुजी से बस यही मांगना है गुरुजी आप मिल जाओ, दैट्स इट। तो अब गुरुजी से हम आज्ञा लेंगे संगत जी, और आज्ञा लेने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, और उसके बाद हम गुरुजी से आज्ञा लेंगे। जय गुरुजी अनंतम शुक्राना। संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे भूल चुक माफ करना, और भूल चुक माफ करना मेरे गुरुजी महाराज गुरु नानक देव जी, भूल चुक माफ करना। जय गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपना बनाने का शुक्राना गुरुजी। अब कौन कौन संगत है एक बार मुझे जरूर मैसेज दें,
मुझे नहीं, गुरु जी को ही मैसेज दे दो गुरु जी है तो ये गुरु जी बुलवा रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी, जब भी मॉर्निंग में उठते हो ना, उठते ही जैसी आपकी सडनली आंख खुलती है ना, सबसे पहले यही शुक्राना करना है, गुरु जी इस मॉर्निंग देने का शुक्राना, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी सांसें कब निकल जानी है, नहीं पता संगत जी, भगवान उन्होंने ही भेजा है, उन्होंने ही बुलाना है। तो जब भी नया सवेरा हमें दिखता है ना, हमें मिलता है, तो बहुत बड़ा शुक्राना होता है उस दिन, बहुत बड़ा शुक्राना होता है कि हमें नया दिन देखने को मिला है संगत जी। तो इस चीज का शुक्राना रोज हर संगत करेगी, अपने पल्ले से बांध लो, क्योंकि मैं तो करती हूँ, मुझे गुरु बाबा ने सिखाया है, जब भी मॉर्निंग से उठो सबसे पहले गुरु जी का यही शुक्राना करो कि गुरु जी ये दिन दिखाने का शुक्राना, नया दिन दिखाने का शुक्राना, सवेरा दिखाने का शुक्राना, और अपना बनाने का शुक्राना, और शुक्राना सिखाने का शुक्राना, ये तीन शुक्राने तो आपको करने ही करने हैं। मैं कह रही हूँ एक टाइम नहीं, मॉर्निंग में तो करना ही है, जब भी आपको दिमाग में आपके एकदम से थॉट आ जाए ना, नहीं शुक्राना करना है, करना ही करना है। खाना खाओ तो शुक्राना, वॉशरूम जाओ तो शुक्राना, लिपस्टिक लगाओ तो शुक्राना, बाहर जाओ तो शुक्राना, हर जगह शुक्राना करना है, कभी नहीं भूलना। और लेडीज जब मेकअप करती हैं तब भी शुक्राना करना है, आंटियां ये गुरुजी ने ही बोला था ना, जब भी लिपस्टिक लगाया करो तब भी शुक्राना करा करो, तो भगवान को कभी नहीं भूलना, चाहे कितनी मुसीबत आ जाए ना तब भी शुक्राना करना है, ठीक है। हर वेले तो अच्छे वेले में तो हम याद करते ही हैं भगवान को, बुरे समय भी याद करोगे तो भगवान आपके पास ही बैठे होंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे जय गुरु जी, मैं तो जरूर करती हूँ, हाँ जी हमेशा ही करना है, सभी को करना है, हमें करना क्या आता है, हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, कुछ भी नहीं कर सकते, एक शुक्राना तो कर सकते हैं एटलीस्ट, उन्हें क्या देंगे, वो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं अपना, महाशिव ब्रह्मांड के पिता, वो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, इतना सुंदर उनका बड़ा मंदिर, इतना स्वर्ग से भी प्यारा, जन्नत मैं कह रही हूँ स्वर्ग से भी प्यारा, तो स्वर्ग तो पता नहीं हमने देखा नहीं अभी तक, तो गुरु जी जरूर दिखाएंगे सबको एक ना एक दिन तो सबको ही देखना है, देखो सबको ही देखना है ना, सच्चाई है ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई है, सच्चाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना, ये गुरु जी ने सिखाया है। तो लेकिन जो धरती पर स्वर्ग है ना, अगर धरती पर किसी को देखना है तो वो बड़े मंदिर है, डुगरी धाम है, जलंधर धाम है, चारों तीर्थ धाम गुरु जी के चरणों में है, तो स्वर्ग से प्यारा गुरु जी का द्वारा, अनंतम शुक्राना करेंगे गुरु जी से आज्ञा लेंगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी महाराज, जल्दी से गुरु जी दोबारा से सेवा सॉरी संगत सेवा देना, ताकि हम सब जुड़ पाए आपके बच्चे, अनंतम शुक्राना ये मौका देने का, अनंतम शुक्राना सभी संगत का जुड़ने का, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी।